नमस्कार, संगीता'स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी, जिसको हम कहते हैं पोटैटो पैनकेक। तो ये देखिए, मैंने छोटे छोटे चार आलू लिए हैं और आधी गाजर को इसमें घिस लिया है। और इसमें मैं डालूँगी ये मेरा कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, और मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्च। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, और साथ में मैं डाल रही हूँ कॉर्न्स। तो देखिए, इसके अंदर अब जाएगी थोड़ी सी प्याज, और मैं डालूंगी थोड़ी सी ग्रेटेड ये अदरक, और मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया और कितनी हेल्दी डिश बनने जा रही है। तो आप अगर बच्चों को, फैमिली को खिलाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, हमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली है। और साथ में मैं डाल दूंगी ये नमक, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। तो देखिए, अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिलाऊंगी, और हमें इस तरह से इसका एक कलरफुल डो ये तैयार कर लेना है। देखिए, और ये नाश्ता आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, या मिड डे में कभी भी जब आपको हल्की सी भूख लगे, थोड़ी सी स्नैकिंग के लिए है ये, और ये बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट। और आप इसको खाइए सॉस के साथ। ये देखिए, है ना बढ़िया। तो बस अब ये हमारा डो हो गया तैयार, और अब हम करेंगे इसको पैन में सेट। अब देखिए, वेजिटेरियन लोगों को तो सीधा ये बनाना है, और मैं इसमें वैसे डाल रही हूँ 1 अंडा। ये प्योरली ऑप्शनल है, और ये मत सोचिए कि अगर हम अंडा नहीं खाते तो हम ये डिश नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एग खाती हूँ, तो मैंने ये एग वाला भी बना दिया, लेकिन आप बिना अंडे के भी बनाएंगे तो लाजवाब बनेगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये डो को डालना है पैन के अंदर। अभी सारा काम हम ठंडे में ही कर रहे हैं, मैंने पैन को अभी गैस पे नहीं रखा। इस तरह से मैं इसको सेट करूंगी, आराम से आप इसको सेट करिए पकने के लिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा तैयार होगा ये आपका पैनकेक। और इसके अंदर बाद में मैं डालूंगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, तो इसकी फिनिशिंग देने के लिए मैं थोड़ी सी और गार्निश कर देती हूँ धनिया पत्ती, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, मैंने ये पैनकेक सेट कर लिया एक पैन के अंदर, और अब हम इसको सिकने देंगे। बहुत ही बढ़िया बनके होगा तैयार। तो अब ढक देते हैं और 5 मिनट इसका इंतज़ार करते हैं, जब तक ये पैनकेक बनके हो जाएगा बढ़िया तैयार। तो ये देखिए, हमारा एग पैनकेक बढ़िया हो रहा है तैयार, और अब आप देख सकते हैं कि ये हिल रहा है, इसका मतलब ये नीचे से पक गया है। तो अब मैं इसको पलट दूंगी दूसरी साइड पे, और फिर हम डालेंगे चीज़। तो चलिए, इसको हम इन्वर्ट करते हैं एक थाली की मदद से। मैंने इसको पलट दिया, और हम धीरे से
इसको डालेंगे इसके अंदर और धीरे से इसको स्लाइड कर देंगे। ये देखिए है ना बढ़िया। और अब हमें एक और काम करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज, क्योंकि मैं आपसे कह रही थी कि ये पैनकेक है और ऐसा पैनकेक जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और उसमें उनको पिज्जा का टेस्ट भी मिलेगा। तो ये देखिए मैं डालूंगी थोड़ी सी इसके अंदर मेयोनीज और हम इसको इस तरह से लगा देंगे और मैं इसके अंदर दूसरी चीज डालूंगी सॉस। पास्ता सॉस, आप कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। आप बिलीव करिए ये पैनकेक इतना स्वादिष्ट लगेगा। ये देखिए बिल्कुल इवन इसको सरफेस पे ऐसे लगा दीजिए, है ना बढ़िया। और अब हमको डालनी है हमारी मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज थोड़ी देर में हो जाएगी मेल्ट, ये देखिए, और एक बढ़िया हमारा पैनकेक हो जाएगा तैयार और देगा बिल्कुल पिज्जा का मजा। तो बस इसी पे मैं थोड़ा सा और गार्निश कर दूंगी धनिया पत्ती के साथ और हम इसको ढक देंगे। देखिए ये मेरा एग पैनकेक हो गया तैयार, कितना बढ़िया बनके हुआ है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया। तो मैं इसको हिलाती हूँ थोड़ा सा देखने के लिए कि ये नीचे से स्टिक तो नहीं कर रहा। अब मेरे ख्याल से ये बन चुका है। तो चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा पिज्जा पैनकेक हो गया तैयार पोटैटो और अंडे के साथ, है ना बढ़िया। तो आज का डिनर आप इस तरह से करिए और मुझे जरूर बताइए आपको ये प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी। बच्चे जरूर इसको पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच इनोवेटिव रेसिपीज़।